हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट एजुकेशन। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना ना भूलिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही को किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? पटना, कोलकाता, मद्रास या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही को मद्रास हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में TN शेषन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि यह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है? जवाहर सिंह, के उल्लास करंता, शिवचरण सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है के उल्लास करंता को अभी हाल ही में जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इनके बारे में आपको ध्यान रखना है यह सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं। और आपको ध्यान रखना है सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ का मुख्यालय है बेंगलोर के अंदर। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से संबंधित ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रदूषण के कारण किस झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि डल झील को अभी हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। अब इस प्रश्न से महत्वपूर्ण तथ्य क्या बन सकते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, डल झील कहाँ पे है, यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है डल झील है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल कौन बनाए गए हैं, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर का पहला राज्यपाल बनाया गया है। अब जब जम्मू कश्मीर के बारे में हमने देखा तो हमें लद्दाख के बारे में भी जानना है, तो लद्दाख के पहले राज्यपाल कौन बने हैं यह भी आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो यह कब बनाया गया है, यह बनाया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। तो इतनी बातें आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने आता है, जस्टिस अजय कुमार मित्तल को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या बिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि जस्टिस अजय कुमार मित्तल को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो कि अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, इन सभी के बारे में एक बार आपको नोट डाउन करना है, और इन सभी के बारे में आपको देखना है कि कौन से हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 2020 में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुखों की मेजबानी कौन करेगा? चीन, ब्राज़ील, रशिया या भारत। तो 2020 में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुखों की मेजबानी करेगा भारत, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे अगला प्रश्न आपके सामने आता है, हाल ही में मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि जस्टिस मोहम्मद रफीक को मेघालय हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3 हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीशों के बारे में बताया है। इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाली हर एक एग्ज़ाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 14th एशियाई शूटिंग चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में 14th एशियाई शूटिंग चैम्पियनशिप आयोजित की गई है दोहा में, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब आपको ध्यान रखना है 5 से 13 नवंबर तक इस चैम्पियनशिप का आयोजन दोहा कतर में किया गया है। इस चैम्पियनशिप के बारे में आपको ध्यान रखना है, इस चैम्पियनशिप में
महिला प्रतिस्पर्धा यानी कि वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है मनु भाकर ने, ठीक है दोस्तों। और अगर सिल्वर मेडल पूछा जाए आपसे मेंस कैटेगरी 10 मीटर एयर पिस्टल में, तो यह जीता है सौरभ चौधरी ने। इस चैम्पियनशिप में टॉप रैंक यानी कि फर्स्ट रैंक मिली है चाइना को, और इंडिया की रैंक है यहाँ पे फोर्थ पोजीशन। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से संबंधित ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेगा, बेंगलोर, नई दिल्ली, कर्नाटक या पुणे? तो इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा कर्नाटक के अंदर, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। इस सम्मेलन का इनॉग्रेशन करेंगे कर्नाटक के CM YS येदुरप्पा, और इस सम्मेलन की थीम है योगा फॉर हार्ट केयर। तो यहाँ से दोस्तों आपको इसकी थीम याद रखनी है, एक बार मैं आपको वापस बताता हूँ, इसकी थीम है योगा फॉर हार्ट केयर, और इसका इनॉग्रेशन करेंगे कर्नाटक के CM YS येदुरप्पा। अगला प्रश्न है, 2019 में ब्रिक्स यंग इनोवेटर अवार्ड किसने जीता है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है रवि प्रकाश को, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में जनवरी 2020 से 50 माइक्रोन से नीचे सभी प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक या गोवा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गोवा राज्य ने जनवरी 2020 से 50 माइक्रोन से नीचे की सभी प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अब बात यहाँ पे गोवा की है, तो गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, ध्यान रखना है आपको, सत्यपाल मलिक। यह पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे, अब इन्हें गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, और गोवा की कैपिटल है पणजी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में मोहम्मद इमरान को किस देश ने भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या इराक? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, विश्व धार्मिक नेताओं का दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, अजरबैजान, किर्गिस्तान, भारत या उज्बेकिस्तान? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि अजरबैजान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 15 नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को हमने देखा है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।